नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, आईबीपीएस, यूपी पुलिस या आगामी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बहुत अहम भूमिका है और आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, ये भाग छठवां है मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़। आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में सवाल आपको हल करा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज के एक ही फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा शुरू से। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटे सौ। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, जहाँ पी मूलधन होता है, आर दर होता है, टी समय होता है। दोस्तों, ए भी हम जानते हैं, एक ए भी होता है, ए होता है मिश्रधन। मिश्रधन कैसे बनता है, अगर मूलधन और ब्याज को हम जोड़ लें तो वो मिश्रधन की श्रेणी में आ जाएगा। बेसिकली दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बाद बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि हर साल सेम ही रहता है। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 100 रुपये है तो दूसरे साल भी 100 रुपये उसमें जुड़ेगा, दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 100 प्लस 16 दूसरे साल का हो जाएगा 200। इसी तरह से तीसरे साल का ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300, चौथे साल का हो जाएगा 400। ठीक है, ये बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज से बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, समझेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। और दोस्तों, इसको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखिए, पी आर अगर हम टी तीनों निकालेंगे, इनकी मूलधन निकालें, दर निकालें या समय निकालें, ये सिंपल इंटरेस्ट हमेशा SI इंटू 100 आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो निकालने वाली हैं, जैसे पहले में मूलधन निकालना है तो देखो आर और टी नीचे हैं, दूसरे में दर निकालनी है तो पी और टी नीचे हैं, तीसरे में हमें समय निकालना है तो पी आर नीचे ही, और ये SI वाला जो है ना वो ऊपर ही रहेगा। तो बस इसको ध्यान में रखना है और सारे सवाल आपके बहुत तेज़ी के साथ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि 5,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल में क्या है, देखिए हमें फॉर्मूला बताइए। SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, P कितना है हमारे पास, 5,000। आर कितना है, 20% की दर, और समय कितना है, 3। 20% का मतलब 100 यहाँ पर आएगा, PRT/100। इस तरह से रखते हैं, सिंपल है, काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10 और 1,000 हो गया, और 1,000 3 3,000 हो गया। तो सिंपल है, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज जो होगा वो आपका कितना आएगा, 5,000 रुपये का 20% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का, वो आएगा आपका 3,000 रुपये। सिंपल है, बिल्कुल PRT में रखना है आपको, सिंपली निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों बिल्कुल ट्रिकी है, देखिए देखिएगा, समझिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। देखिए, 1,000 रुपये की राशि 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ टाइम दे रखा है केवल 73 दिन। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, SI बराबर हमें मालूम है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम रख देंगे। SI हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 1,000, दर कितनी है 20, समय कितना दे रखा है दोस्तों, 73 दिन। अब 73 दिन को हमें वर्ष में चेंज करना होगा, तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 365 से भाग दे देंगे। जब भी इस तरह से आपको दिन दे रखे ना हो ना, तो आप घबराइएगा ना, सीधे 365 से भाग दे दीजिएगा। और दोस्तों, ये संख्या ऐसी आएगी जिससे सीधा सीधा 365 जो है ना वो डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, अब 73 से 365 कितनी बार जा रहा है, 5 से 15, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, 5 से 20 काट दीजिए 4 बार, 4 से 100 काट दीजिए 25 बार, और 25 100 का 100। तो दोस्तों, 400 हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, देखिए 73 दिन जो है ना, 73 दिन जो है वो उसमें 365 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 5 बार कटा, 5 चौका आपका 20 हो गया, 4 से ये आपका हो गया, ये दोस्तों 1,000 रुपये है। हाँ, तो 400 रुपये इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल भी बड़ा सिंपल है। 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का, दोस्तों यहाँ पहुँचा है, पहले हमने वर्ष का दे निकाला, फिर उसके बाद दिन का निकाला, अब निकालना है दोस्तों 3 महीने का। तो 3 महीने का दोस्तों साधारण ब्याज वही करेंगे, SI बराबर PRT/100। ठीक है, पी कितना दे रखा है हमें, पी दे रखा है 9,000, आर कितना दे रखा है 12, और ब्याज जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 महीने। तो 3 इस तरह से रखा,
अब इसे हम वर्ष में चेंज कर लेंगे, तो वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का डिवाइड कर देंगे और सिंपल है, 100 यहाँ आ ही जाएगा। सिंपल है, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, 9 तिया 27, तो दोस्तों साधारण ब्याज होगा 270 रुपये। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस करना क्या था, जो हमारा ये 3 महीने दे रखा है इसे वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का डिवाइड करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस सिंपल है दोस्तों, पीआरटी से ही हमें ये सवाल हो गया। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब देखिए अगले सवाल में कह रहा है 5000 रुपये की राशि कितने परसेंट की दर से 3 वर्ष में जो है साधारण ब्याज 3000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज ऐसा ही देखिए, चलिए फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ आपको। SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100, SI हमें दे रखा है 3000, P दे रखा है हमें 500, R हमें निकालना है, T हमें दे रखा है 3 और ये है 100। दोस्तों डायरेक्ट काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 से ये 20 बार गया और 3 से दोस्तों ये 3 भी गया, तो निश्चित रूप से R जो आएगा हमारे पास 20 आएगा। दोस्तों अगर हमें आपको मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 बटे P इंटू T इसमें भी रख सकते हैं, तो आपकी दर आराम से निकल जाएगी अगर ये फार्मूला आपको याद है तो। देखिए अगले में हम लगाते हैं वही फार्मूला, वह कौन सी धनराशि इसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, धनराशि निकालनी है यानी कि पी निकालना है। तो दोस्तों अब मैंने बताया SI इंटू 100 ये हर एक में रहेगा और नीचे क्या रख देंगे, R इंटू T, ठीक है। SI कितना है हमारे पास 1800 रुपये, इसका 100 से मल्टीप्लाई, दर कितनी है 5, समय कितना है 6, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स कट जाएगा, ये 6 से 18 3 टाइम्स कट जाएगा 300 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 6000। तो दोस्तों कितना आसान है, कुछ भी है आप ये बताइए, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 8000 रुपये का 10% की दर से साधारण ब्याज कितने समय में कुल धन 9600 रुपये हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा देखिए ट्रिकी है, समझिएगा इस सवाल को। 8000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में वह कुल धन जो है वो 9600 रुपये हो जाएगा। दोस्तों कुल धन का मतलब क्या होता है, ए यानी कि SI प्लस मूलधन, ठीक है। तो दोस्तों SI क्या है हमारे पास, हमें कुल धन दे रखा है 9600, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें पता नहीं है, और P कितना दे रखा है हमें, मूलधन 8000। तो यहाँ से SI निकालेंगे तो 9600 में से 8000 गए तो आपका बचा 1600। अब यहाँ से सीधे फॉर्मूलों में आपको फिट कर देंगे, निकालना क्या है कितने समय में, टी निकालना है, तो ये होता है दोस्तों SI इंटू 100 बटे P इंटू R। तो दोस्तों SI हमारे पास दे रखा है 1600 इंटू 100 बटे P दे रखा है आपका हमारे पास 8000 गुणा R हमें दे रखा है 10 से 10 दाम 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, यानी कि टी बराबर आ गया 2 वर्ष। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक से होगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, दर हमें निकालनी है, तो दोस्तों दर के लिए क्या करेंगे, रेट इन आर के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है ब्याज गुणा 100 या फिर SI गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, यही तो हमारा होता है जो हमें शुरू से रटा हुआ है। अब दे रखा है दोस्तों ब्याज मूलधन का 3/5 है, दोस्तों ब्याज मूलधन का 3/5 है, ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो दोस्तों ब्याज पहले आ रहा है, आप देखिएगा ब्याज पहले आ रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब्याज और ये हो जाएगा दोस्तों आपका मूलधन, ठीक है। तो दोस्तों ब्याज कितना हो गया हमारे पास, 3 गुणा 100 गुणा मूलधन, ये डिवाइड में जो आ रहा है ये मूलधन बन जाएगा, और गुणा समय, क्षमा करें
समय, हाँ समय हमारे पास है 2 वर्ष, तो समय आ गया 2 वर्ष। तो 5 से इकट्ठा 20 बार, 2 से इकट्ठा 10 बार, तो इंट आर आ गया दोस्तों 30%। तो दोस्तों इस तरह से ये हमें क्या करना है कि 3/5 है, इसमें पहले दी गई है ब्याज मूलधन का, यानी कि जो ब्याज वाला है ना वो ऊपर आएगा, वो ब्याज बन जाएगा, और जो नीचे वाला है वो आपका मूलधन होगा। दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल भी इसी तरह का, कितने समय में 20% की दर से, 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, वही सवाल है, बस इसमें टी पूछा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणा 100/P × R। ठीक है, अब देखिए ब्याज मूलधन का, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 3/5 है, तो दोस्तों ब्याज पहले आ रहा है, मूलधन बाद में आ रहा है, तो सीधा लगा देंगे दोस्तों, ब्याज अब क्या हो गया 3 × 100, मूलधन हो गया 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, तो 20×5 100, 5 से 5 कैंसिल, तो टी बराबर आ गया 3 वर्ष। है दोस्तों सिंपल, कुछ भी नहीं है, ट्रिक यूज करी बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, कमल कुछ राशि का 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दे दी गई। कमल ने कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, यदि ब्याज की दर 9% हो तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। कमल ने कुल कितनी राशि उधार दी? तो दोस्तों देखिएगा, समझिएगा, पहले पहले उसने, कमल ने 5% की राशि दी गई, ठीक है, उधार दी, यदि ब्याज की दर 9% हो। ये तो हमने 5% पे पहली स्टेज में तो 5% की राशि दिया, लेकिन यदि ब्याज की दर 9% अधिक हो तो उसे 80 रुपये का फ़ायदा होता है। समझिएगा दोस्तों, देखिए पहले में 5% और दूसरे में 9%, अंतर कितने का आया 4% का, यानी कि 4% बराबर है 80 रुपये के, 4% बराबर है 80 रुपये के, तो एक बराबर होगा 80/4 के, तो 4 × 8 = 20 के, तो 100 कितने के होगा, 20 × 100, यानी कि 20,000 रुपये के, यानी कि कमल के द्वारा जो राशि दी गई वो दोस्तों मूल राशि कमल के द्वारा दी गई 20,000 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस और जितने का फ़ायदा हो रहा है, जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं उसके बराबर रख देंगे। देखिए इस तरह से 4% बराबर है 80 रुपये के, क्योंकि इनका जो अंतर है वही तो अधिक है, तो 80 रुपये के बराबर, तो 100 कितने के बराबर हो जाएंगे, 20,000 के। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए रवि ने 12,000 रुपये की राशि इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति को 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे व्यक्ति को 20% साधारण ब्याज की दर से उधार दी, संपूर्ण राशि में उसे 14% का ब्याज मिला, तो 10% की राशि जो उधार दी गई वो राशि क्या थी? दोस्तों अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के माध्यम से या मिश्रण के माध्यम से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं बताता हूँ, अब इसमें क्या कह रहा है, रवि ने 12,000 रुपये की राशि दी 10% की वार्षिक की दर से, यानी कि पहली स्टेज में दी 10% की वार्षिक की दर से, दूसरी जो व्यक्ति को जो राशि दी वो दी 20% की दर से, ठीक है, और जो संपूर्ण राशि पर उसे जो फ़ायदा हुआ या ब्याज मिला वो 14% का, 14, ठीक है, एलिगेशन के माध्यम से कर लेंगे, तो 220 में से 14 गया आपका 6 बचा, और 14 में से 10 गया तो आपका 4 बचा, 4%, ये परसेंट में ही आएगा दोस्तों, ठीक है, काट लेंगे, ये 3%, ये 2%, तो ये 3:2 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को, यानी कि ये दोनों की राशि, यानी कि 5A, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5A बराबर होगा 12,000 के, यानी कि ये पूरी राशि 5A आ गई, 5A बराबर होगा 12,000 के, तो A कितना होगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, 2400 रुपये के, ठीक है, A 2400 रुपये के। अब हमारे पास क्या है राशि पहली वाली 3, तो 3 में 2400 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गई हमारे पास 7200 रुपये राशि, ये तो 10% वाला हो गया, और जो दूसरी वाली है 72, ये 2 में 24 × 2 = 4800 रुपये, ये दूसरे की आ गई, ठीक है, 24 × 2 = 48 रुपये। अब देखो दोनों को जोड़ लो, अगर आपका 12,000 आता है तो बिल्कुल सही है, 8 और 2 = 10, 7 और 4 = 11 और 1 = 12, तो ये 12,000 यहाँ पर